So guys, ये अपना गेट बाबा का धाम। So guys, दर्शन करने के लिए पहुंच लिए हैं भाई। वो हमारा जैन फैन देख लो भाई हमारे। So hello guys, welcome to my YouTube channel. So भाई दादा और मैंने खाना वाना खा के हो गए ऑल सेट, अब जाने की तैयारी भाई। ये सोच रहे हैं पहले अभी होटल वोटल ढूंढ लें अपना, जो मतलब स्टे करने का वो है पहले उसे ढूंढ लें, और सुबह फिर अपना दर्शन करने के लिए चले जाएंगे, जो मतलब अपना चलना है यहाँ से, क्योंकि अभी तो वैसे भी दर्शन नहीं होंगे। तो यही है, पहले अपना आराम भी कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन में बैठ के आए सुबह से चलने पे लग रहे हैं, तो इस वजह से पहले आराम कर लें, फिर अपना सुबह को स्टे करके दर्शन करके फिर अपना जो होगा वो आपको जब ही दिखा देंगे। तो भाई दिखाते हैं अभी क्या व्यवस्था है अपनी, क्या करते हैं अभी, करते हैं आपस में डिस्कशन, तो जो भी होगा आपको बता देंगे भाई। अभी पहले कल लें कि चलना है या फिर होटल देख लें, दोनों में से। तो गाइस आ गए हैं बाबा के गेट पे, और ये हमारे श्याम जी का गेट है, हमारे दादा लोग पोज दे रहे हैं भाई हमारे। भाई दिन में होते तो सही भी हुआ था, पर अभी रात हो रही है तो इस वजह से हम तो काले ही आ रहे हैं। तो भाई अभी कर रहे हैं पहले स्टे का काम अपना, पहले रुकेंगे अभी और सुबह को निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जब भी अभी तो दर्शन नहीं होंगे, तो इस वजह से पहले आराम कर लें, सुबह को ही अपना फिर सीधा यहाँ से चल लेंगे और अपना दर्शन कर लेंगे। क्यों दादा अभी पहले को चलेंगे, अभी पहले भाई अपना रूम ढूंढते हैं कहाँ पे है कोई अच्छा सा रूम। तो रूम अलग अलग है दोनों के, इसमें दो धर्मशाला में। और देखो ये सामने एक धर्म मंदिर है ऊपर, तो देखते हैं धर्मशाला में भाई। हर जगह 1,500-2,000 में यार रूम ऐसे बेकार, तो उससे तो बढ़िया 1,500 में धर्मशाला में आ जाओ भाई, एक नंबर है। तो धर्मशाला में देखने के लिए आए भाई कैसे रूम है। रूम तो वैसे बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, नॉन एसी हैं क्योंकि एसी की अभी ज़रूरत भी ना है हमें। और भाई देखते हैं रूम कैसे हैं, अभी भैया ने दो चाबी दी हमें चेक करने के लिए, और बाबा ला रहे हैं तो बाबा ही हर चीज़ करा रहे हैं हमारी। ये हमारा रूम है भाई, सही है रूम, बढ़िया है। बस तो गाइस ये अपना रूम है थोड़ा, सो गाइस ये रूम अपना फाइनल है, ये कल ले आ चाबी दिया। तो भाई ये अपना रूम फाइनल है, इतने टाइम बाद मिल गया है फाइनली रूम। और अभी करते हैं रेस्ट, क्योंकि सुबह से ही भागा दौड़ी हो रही है और आरसी भी हो गई, क्योंकि भाई पहली बार आए हैं यार, ऐसे रूम नहीं मिल रहा था, तो भाई एक घबराहट होगी कि यार अभी सुई रूम ना मिल रहा, आगे चले गए क्या होगा। तो इस वजह पर वही है ना, जहाँ कोई काम ना आता वहाँ हमारे श्याम जी कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, तो बाबा ने रास्ता निकाल दिया और हमें एक ऐसी धर्मशाला मिल गई। क्योंकि भाई मिलते हैं ना कि ऐसे हाँ रूम ले जा, हमें ऐसे छोटे छोटे से किचल्ली से रूम में, तो भाई उन पर मत जाओ, कोई धर्मशाला ढूंढ लो बढ़िया मिलेगी आपको, क्योंकि हमें मिल गई है। और एक बार भी मिली थी जब फूफा जी के साथ गए थे, जब भी धर्मशाला थी बहुत बढ़िया है धर्मशाला ही। तो मैं तो अब धर्मशाला ही वो करूँगा, आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे रहो जाओ तो धर्मशाला मेरे को बढ़िया है। तो भाई अभी करते हैं स्टे, हम रुकते हैं आराम करते हैं, और भाई मिलते हैं अभी, पहले आराम कर लें, बहुत थक रहे हैं, पैर बिल्कुल जाम है, पैर काँप रहे हैं मेरे चलते हुए, इतना वो है। तो भाई करते हैं आराम और सुबह फिर अपना निकलना है, जो हमने वो बोली है बताइए कैसे, हाँ निशान उठाना है और सुबह फिर निकलना है। तो दिखाते हैं भाई कैसी जर्नी है, अभी करते हैं आराम, लेटते हैं, डेड होते हैं और सुबह फिर मिलते हैं आपसे। तो इतने भाई आप भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 2 बज गए हैं भाई, तो इस वजह से सो जाओ आप, मैं भी सो रहा हूँ, बाय। दी नेक्स्ट डे, सो गाइस गुड मॉर्निंग है भाई, तो भाई उठ गए हैं, सुबह हो गई है, और मतलब नींद तो अच्छी आई मुझे, तो आई केशव को नहीं आई, क्योंकि केशव ऐसी है कैसे कहीं दूसरी जगह अपनी मतलब जैसे जगह ट्रांसफर हो जाती है ना, तो कहीं जैसे नई जगह जाते हैं तो बहुत से होते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, तो ऐसी भाई केशव का हाल है। तो केशव नींद नहीं आई है रात भर, मतलब एक घंटा ही सोया है वो, फिर रात भर परेशान रहा। मैं तो अब सो गया भाई, अब उठाऊँ, और अब भी इसलिए उठाऊँ क्योंकि बाहर शंख बज रहा है, बाहर देखो यहाँ पर पूजा करने का वो है स्थल, तो
कान अजीब है ये जब दिखाएंगे आपको हमारे कान्हा जी का नीचे मतलब एक वो है मंदिर, तो वहाँ पे जो पंडित जी होंगे या कोई होगा तो वो शंख बजा रहे थे, तो उसकी आवाज़ से फिर भाई उठ गए कि सब भाई अपना फिर ऐसे मतलब डेली रूटीन वो करने गया है और हम भी करते हैं भाई अभी 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 सो के उठे हैं भाई, हिम्मत भी ना पड़ रही उठने की, पर अब ऐसा है जल्दी जल्दी उठें फिर अपने बाबा के दर्शन करें और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो बाबा के वहाँ पहुँचना है, बाबा के पास अपने बाबा का दर्शन करने है भाई, इतने टाइम से इंतज़ार है, बस ये हो रही है अब जल्दी जल्दी फ्रेश व्रेश मतलब जल्दी जो है अपना रूटीन उसे करें और फिर निकलें यहाँ से, मिलते हैं पहले अपना डेली रूटीन कर लें, तो रेडी होकर मिलते हैं आपसे सीधा, दादा तो होने वाला है रेडी और मैं वो रेडी होकर मिलता हूँ, ठीक है भाई, तो वेट करो इतने आते हैं भाई। सो गाइस दादा हमारे रेडी हो गए, दादा की लुक है और अब हम जा रहे हैं, दादा की बैच चल रही है ये, और भाई गलती हमसे हो गई, हम एक वो कंगा लाना भूल गए हैं, तो भाई चलो अब जैसी भी दिख जाएगी बाहर मिल जाएगा। और दादा ने कह रहे हैं उसकी कंगे की जरूरत ना हाथ ही कंगा तो भाई मैं भी फ्रेश फ्रेश हुआ हूँ, अपना जो डेली रूटीन है कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे पहले रेडी हो गए, तो भाई पहले रेडी हो लें जब दिखाते हैं आपको लुक अपनी और फिर चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। सो गाइस रूम में से निकल रहे हैं भाई, हमारे सिस्टम में ना मत देखो तुम गलती से दिख गए पड़े हैं सब, तो भाई कर रहे हैं यहाँ से एग्जिट, फिलहाल अपने सब सामान यही है, इतने दर्शन करके आ रहे हैं क्योंकि 10 बजे हमें रूम खाली करना है, तो मैं और दादा जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो भाई जा रहे हैं, खिड़की विड़की बंद कर रहे हैं और अपना निकल रहे हैं यहाँ से, कर रहे हैं एग्जिट और अभी जाते हैं गेट पे, गेट से फिर जो अपना निशान है मतलब झंडा, झंडा लेके चलते हैं फिर दिखाते हैं, तो अभी चलते हैं नीचे नंगे पैर हैं भाई दोनों भाई, क्योंकि वहाँ भी जूते वूते उतारने पड़ेंगे तो इस वजह से। और भाई ये हमारी धर्मशाला है जिसमें श्याम मंदिर है श्याम जी का, बढ़िया है वैसे सब चीज़ बढ़िया है हमारे लिए बढ़िया है। सो गाइस अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, हमारी लुक है ये शॉर्ट्स एंड हेयर दिखा और दादा की, दादा कह रहे हैं हम भी दिखा दो, दादा दिखा दिए तुम सबसे पहले तुम ही लिए। तो गाइस मिलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से अपना मैं बाबा के दर्शन करवा देते हैं शाम जी को, आ जा दादा। तो भाई हमारे कृष्ण जी, कृष्ण का नहीं है जो बाबा हमारा सफर सफल गए और खूबसूरत रहे जान गए। तो गाइस ये अपना गेट बाबा का धाम, बाबा का दरबार, अभी लेते हैं ऐसे झंडा बात। सो गाइस चल दिए फ्लैग लेके, अपना फ्लैग ले लिया है मैंने और भाई ने और बोला गेट द्वार कर लिया हमने, एंट्री कर ली है, बहुत टाइम हो गया रील बनवाते हुए तो इस वजह से अब चल रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि धूप होने पर लग रही है, क्योंकि राजस्थान है भाई यहाँ तो गर्मी दुगनी लगेगी, तो भाई चल रहे हैं अब बस पहुँच जाएँ, पहले दिखाते हैं आपको अभी स्टार्टिंग है। भाई बात दिक्कत सारी है जूम ना करता हमारा गोप्रो, और तो सब बढ़िया है और कोई दिक्कत ना है, मैं जूम ना करता। तो दादा कैसा लग रहा है आपको, हम तो वैसे एक बार आ चुके हैं पर हम जब भाई आए थे बस से आए थे, बस सीधा अंदर उतारती है तो इस वजह से हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ से चलने का। और दादा आपका कैसा है, आप तो वैसे पहली बार आए हो, पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा ने आखिरकार बुलाई लिया, बड़ी मेहनत करी थी आने के लिए। भाई रा एंड टाइम पर टिकट हुआ भाई, वो तो सब हमने यहाँ पर बताई एंड टाइम पे, बहुत टाइम तक तो जब तक दादा घर से, दादा घर से जब लेके चला हमें, मैंने जब दादा ने कह दी हाँ कन्फर्म है अब चलो दादा ने कह रहा जो है कि देखी जाएगी, जाना तो आज ही है, वरना भाई हमारा कैंसिल हो गया अगले दिन का था, पर जब बाबा ने बुलाए तो भाई ऐसे कैसे ना आते, नई रास्ते बनते चले जाना जब बुला हमें भगवान, हम तो बस अपना मन बना सके। और भाई गुलाब इसलिए नहीं लिए यहाँ से, अभी बस जन फ्लैग लिया है
गुलाब इसलिए नहीं लिए, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी नाड़ सी टूट जा, तो इस वजह से लास्ट उस पर ही लेंगे। तो अभी चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको हमारा क्या कैसा सफ़र रहता है। अभी तो चलना ही है थोड़ी सी दूर, और नंगे पैर हैं हम दोनों भाई, क्योंकि वहाँ जूते वूते उतारने हैं, फिर कहाँ रखेंगे उन्हें। तो इससे बढ़िया अपना उसी पे ही रूम में ही रख के अपना आ गए हैं और अपना दर्शन करके अब सीधा चले जाएंगे। तो भाई मिलते हैं, पहले दिखाते हैं अभी आपको जो अच्छी चीज़ होती है। अभी पहले यहाँ से अपना सफ़र इंजॉय करें, देखते हैं कितनी दूर है, हमें भी फर्स्ट सब चीज़ फर्स्ट। और हम जा रहे हैं, हम लेट हो गए, सब भाई दर्शन करके आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, ज़्यादा लेट हो गए हम, सब दर्शन कर गए। पर एक बात है कि ज़्यादा सुबह को भागते तो भाई भीड़ ही मिलती है, आराम से अपना शायद भीड़ कम मिले, क्योंकि जाने वाले मुझे लगे बस हम दो ही हैं। लेट भी है फिर ज़्यादा जल्दी उठ जाइए तो तुम्हें भीड़ भी आ रही है। तो भाई फ़ायदे भी हैं लेट उठने के, नुकसान ही ना, फ़ायदे भी हैं, बनाने में टाइम लगता थोड़ा रील में। और फिर गाइस ले रहे हैं प्रसाद, कैसे पेड़ 4 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो। प्रसाद ले लिया है भाई, आधी आधी किलो ले लिया, क्योंकि घर ले जाने में फिर प्रॉब्लम होगी, तो अपना इसे फिर यहीं वैसे देख लेंगे, थोड़ा घर तो ले जाना है यार, घर तो ले जाना ही पड़ेगा ना प्रसाद। और भाई ये एग्जिट द्वार है शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं द्वार आया हूँ, और अगर कहाँ ही है शायद एग्जिट द्वार। तो भाई ये प्रसाद ले लिया, और एक बार गुलाब और लेना है, गुलाब और इत्र, तो ये दो चीज़ हो रहे हैं लेके, फिर अपना चलते हैं बाबा के दर्शन करने। बाबा का गाना गाते ही जा रहे हैं सामने वाले की, सब गाइस। और बाय द वे सब उनकी श्याम जी की कहानी तो पता ही होगी कि मतलब खाटू श्याम बाबा का मंदिर क्यों बना है, ये तो खैर सब पता होगी, ये तो बताने की ज़रूरत ना है भाई, तो जब भी बता। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हम भी हारे हुए हैं भाई, हमारे बाबा साथ देंगे हमारा, जब बुलाएं तो देंगे ही। सब गाइस मंजिल की तरफ, पर पहले जब आए थे पहले नहीं था ये रास्ता, पिछले साल जब हम आए थे मैं और बुआ जी, तो जब नहीं था, पर अब बदल गया थोड़ा, जन चेंज है रास्ता कोई। उस टाइम तो भाई बहुत भीड़ थी, पिछले साल तो बहुत भीड़, बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत वो हुई, पिछली साल बहुत थी, अब तो अभी कम है, पर पिछले साल बहुत थी। ये शायद यहाँ से जाना है मैं, ये भी रह लूँ। सो गाइस निशान इधर देना है हमें इन भैया को, क्या करना लोग रात के देर में छूट जाए, ठीक है, तो वो बहुत मजा लेगा। आगे गाइस इधर नंबर जाओ, मेरा है गाइस, चलो आ जाओ। तो है सो गाइस निशान दे दिया है और अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, अंदर एंट्री हो गई हमारी। सो गाइस दर्शन करने के लिए पहुंच लिए हैं भाई, पूरा हमारा जैन फैन देख लो भाई हमारे हमारे ना। तो भाई पहुंच गए हैं फाइनली बाबा के धाम, पहले तो सब चीज़ थी ऐसे ऐसे थी, लंबी कर गया वैसे हो गई सीधी, अब सब चेंज हो गए। सो गाइस भाई पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, भाई दर्शन तो आप मुश्किल दिखा पाएंगे, क्योंकि इतने में तो धक्का लग जाता है, दर्शन ही हो जाए। ये प्रसाद कहाँ से, प्रसाद ये सामने आ गया था, लाइन में लगे हुए भाई, वीडियो बनाई नहीं क्योंकि वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। सो गाइस फाइनली दर्शन कंप्लीट, मैं
मिशन पास हमारा, सब चीज़ ओके हो गई, ऐसे नहीं थी लाइन हमारी भर रही कि भागम भाग। थोड़ा टाइम दिया भगवान जी ने हमें दर्शन करने के लिए। और दादा तू भी रुका शायद, है ना? तो भाई ये माता रानी तो भाई कर रहा। सो गाइस कुंड जा रहे हैं अब, कुंड और दिखाते हैं आपसे। मैं कुंड तो पहली बार जा रहा हूँ, कुंड नहीं गया था अभी तक, अभी दर्शन कर तो कुंड तो पहली बार जा रहे हैं, देख के आते हैं कुंड कैसा है। क्या बना? पर ये तो शायद उधर के लिए दादा रास्ता भी दर्शन गए हैं, मंदिर दर्शन मार गए तो ना अभी पहले। भाई ये दो रास्ते हैं, एक ये जा रहा मंदिर के लिए और ये जा रहा कुंड के लिए। अगर कुंड जाना है तो उधर को जाना, मंदिर जाना है तो इधर। प्राचीन मंदिर श्री सीताराम जी राम जी दार। तो भाई कुंड के लिए जाना है तो इधर से जाना है, इसका कोई गेट नहीं है, मंदिर पे गेट बन रहा है। और अभी पता नहीं इधर जाना है उधर जाना। सो गाइस कुंड में एंट्री कर दी है, शायद यही कुंड है मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ यही है कुंड, पब्लिक वैसे आ रही है, थोड़ी पेंट वेंट चढ़ा गया तो यही है भाई कुंड। ठंडा भाई बहुत पानी, नहीं नहीं रान दे बहुत है। कुंड में नहाना ना है बस ऐसे ही हाथ पैर या फिर अपने ऊपर ऐसे छिड़काव से कल करना, पब्लिक नहा भी रही है भाई। तो गाइस नीचे जा रहे हैं हम, नहाएंगे तो नहीं, नहा के तो आ गए, वैसे छिड़काव कर लेंगे अपने ऊपर पानी गिर लेंगे जैसे छीटे से मान लेते हैं। तो जाते ही नीचे अपने को कर जाते हैं छिड़काव। गाइस रूम पे आ गए हैं भाई, और अभी बेड दिखा ना सकता आप, बेड हमारा ऐसी हो रहा है तो दादा देख लो, दादा देख लो, हमारे दादा देख लो बस, क्योंकि रूम ऐसी हो रहा है भाई हमारा गंदा। तो और सो गाइस सबसे पहले हम ही आए थे बस, अभी गेट वेट लग रहे हैं, ताले वाले लग रहे हैं, फोटो शूट हो रहा है, सबके ताले लग रहे हैं। मुझे लगा सबसे पहले हम ही आए दर्शन करके, और सबसे लेट गए, सबसे पहले आ गए। जो भाई थी सारी चीज़ वो हमने कर ली है कम्प्लीट, मतलब दर्शन करना, कुंड में नहाए तो नहीं क्योंकि भाई नहाए ही लिए थे, तो अपना अपना वैसे पानी गिर लिया अपने ऊपर, वो भी बहुत है। तो अब करते हैं इस वीडियो के एंड, होपफुली भाई वीडियो अच्छी लगे हो क्योंकि वीडियो हो गई बहुत लंबी, दादा घर से फोन आ रहे। तो अब करते हैं इस वीडियो के एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं प्लान क्या बनता है हमारा, और मतलब कहाँ जाने का प्लान बन रहा है। अभी तो कुछ प्लानिंग है नहीं क्योंकि हमारा था कि ऐसा आज यहाँ स्टे करेंगे, पर अब टाइम सही हो गया है तो देखते हैं अभी कि यहाँ कुछ चीज़ हो तो यहाँ घूम लेंगे, वरना फिर अपन निकलते हैं कहीं और। तो भाई दिखाते हैं यहाँ पे, आप स्टे कनेक्ट रहो, देखते रहो कि भाई होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे ना तो चैनल सब्सक्राइब करना। और भाई चैनल वीडियो पर चैनल पर बने रहो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, घूम रहे हैं। तो भाई टाटा, ध्यान रखना, थोड़ा आराम कर लें फिर निकलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होता है। और भाई अभी के लिए तो भाई आराम कर लें, और भाई दिल बहुत खुश है, लास्ट बात है, दिल बहुत खुश है, बहुत दर्शन करके एक सुकून मिल गया है कि हाँ हर चीज़ कंफर्टेबल हो गई है, कि ऐसी नहीं कोई भाग दौड़ में हुई है। पहले जब आप पिछली साल आए थे, पिछली साल तो बहुत वो था, तो इस वजह से अब के जो हुआ आपका सब बेस्ट था, ऐसे भी नहीं है भागा दौड़ी, सब आराम से, सब अपने उसमें हुआ, सब चीज़ अच्छी हुई है। उन्होंने जब बाबा ने बुलाए तो सब चीज़ भाई बेस्ट हुई है, दिल खुश है बिल्कुल। तो अब भाई टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, बाय, सी यू।